पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को लेकर लगातार ट्रोल किए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वहां की रैलियों में जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री फिर एक बार आगे आए हैं और इस बार उनका साथ दे रही है भारतीय वायुसेना। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। ऑक्सीजन के लिए हाय तौबा मची हुई है। ऐसे में सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अलग अलग प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन को लाने का काम सेना ने शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने विदेश से ऑक्सीजन टैंकर लाने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। वायुसेना सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयर लिफ्ट कर लाएगी। जानकारी के मुताबिक वायुसेना ने 2 टीम बनाई जो एक देश के अंदर ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन को लेकर देश के अलग अलग महानगरों पर पहुंचा रही है। वहां से सड़क मार्ग से और ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन अलग अलग जिलों में पहुंचाई जाएंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि कम से कम समय में आपको बगैर किसी बकवास के खास खबर मिलती रहे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ वो भी हिंदी में।